हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लेडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का पूरा रिवीजन सेशन बनाना है। ये पार्ट वन रहेगा, फिर पार्ट टू बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूँ, सबसे पहला टॉपिक ड्राफ्टिंग ही है। ड्राफ्टिंग क्या होती है, पेपर में क्वेश्चन यही आएगा आपको कि ड्राफ्टिंग क्या होती है और ड्राफ्टिंग के लीगल रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, ऐसा करके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका वाइवा भी होगा और एग्ज़ाम भी आपने लिखना है। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि वाइवा भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ड्राफ्टिंग, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है। तो ड्राफ्टिंग होती क्या है, ड्राफ्टिंग इज बेसिकली एन आर्ट टू प्रिपेयर अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का तरीका, एक कला, एक आर्ट ड्राफ्टिंग कहलाती है। जैसे कि एग्रीमेंट को प्रिपेयर करना, कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करना, जैसे कि सेल डीड को प्रिपेयर करना, गिफ्ट डीड को प्रिपेयर करना, कोई भी चीज़, प्लेन को ड्राफ्ट करना, रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग इज अ वेरी वाइडर कंसेप्ट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट, यू आर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग फॉर्म, इट इज ड्राफ्टिंग। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग फॉर्म, इट इज़ अ ड्राफ्टिंग। जब भी आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो राइटिंग में, लिखित में, उसको ही ड्राफ्टिंग बोला जाता है। तो व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी डीड, आपने सेल डीड बना दी, सेल डीड प्रिपेयर कर दी पूरी प्रॉपर, दिस इज़ योर ड्राफ्टिंग। आपने गिफ्ट डीड प्रिपेयर कर दी पूरी, लिख कर तैयार कर दी, दिस इज़ योर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट को तैयार करने की कला है। अब लीगल डॉक्यूमेंट ऐसे सिंपल तरीके से तैयार नहीं होता है, उसमें लीगल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, उसमें प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, उसमें एक्यूरेट लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, उसमें कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। मतलब ड्राफ्टिंग करना इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। एक ड्राफ्ट्समैन जो होता है, ही मस्ट हैव अ स्किल, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दीज गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग। जब तक ये प्रिंसिपल्स पता नहीं होंगे, वो अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा। तो कल को जब आप लोग भाई प्रोफेशनल एडवोकेट बनेंगे, आप ड्राफ्टिंग करेंगे, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा, डीड को ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा। तो ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग में आप प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हो टू क्लियरली एंड एक्यूरेटली कन्वे। क्यों आप ये प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हो, ताकि क्लियरली एक्यूरेटली कन्वे किया जा सके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रेम्ड और ड्राफ्ट, अर्थात ड्राफ्टेड। अर्थात ड्राफ्टिंग में यू यूज़ द एक्यूरेट वर्ड्स, यू यूज़ द क्लियर वर्ड्स, यू यूज़ द प्रिसाइज वर्ड्स फॉर मेकिंग द डॉक्यूमेंट गुड, फॉर मेकिंग द डॉक्यूमेंट प्रॉपर। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। आगे क्वालिटीज ऑफ गुड ड्राफ्टिंग की बात करें, या प्रिंसिपल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग की बात करें, या रूल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग की बात करें, सबसे पहला प्रिंसिपल है कंसाइजनेस। एक गुड ड्राफ्टिंग कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए। अगर आप एक सेल डीड फ्रेम कर रहे हो, एग्रीमेंट फ्रेम कर रहे हो, और एग्रीमेंट में हर कुछ लिखे जा रहे हो, 50 पेजेस का एग्रीमेंट बन गया, कल को उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। तो योर ड्राफ्ट, एक गुड ड्राफ्टिंग, जो अच्छी ड्राफ्टिंग होती है तो वो भी ड्राफ्टिंग है, जो आपने बना दिया डॉक्यूमेंट बना दिया, ड्राफ्टिंग ही है। पर एक अच्छी ड्राफ्टिंग तब होगी जब वो कंसाइज होगी। अगर आप उसमें हर कुछ मेंशन कर रहे हो तो वो अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं होगी। एक गुड ड्राफ्टिंग मस्ट बी कंसाइज, इट मस्ट कंसिस्ट ईच एंड एवरी नेसेसरी पॉइंट्स ऑफ लॉ, नेसेसरी पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो उसमें मैंशन करी जानी चाहिए। क्लियरिटी, एक गुड ड्राफ्टिंग क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की वेगनेस नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली ड्राफ्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट जो होता है, क्लियरली ड्राफ्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट जो है, वही अच्छा गुड ड्राफ्टिंग का एक गुड ड्राफ्टिंग मानी जाती है। अगर आपने ड्राफ्ट कर दिया डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप लिखना क्या चाहते हैं।
अगर आप सेल डीड बना रहे हैं पर कौन सी प्रॉपर्टी आप किसी को सेल करना चाहते हैं वो पता नहीं चल रहा है, क्लियर ही नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड ड्राफ्टिंग। दैट इज ड्राफ्टिंग, यू हैव ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज ड्राफ्टिंग, बट दैट इज नॉट अ गुड ड्राफ्टिंग। ये गुड ड्राफ्टिंग नहीं है क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेल करने की बात की जा रही है। तो जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग करो, कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, तो एग्रीमेंट कैसा है, एग्रीमेंट टू सेल है या एग्रीमेंट किस चीज़ का है, वो प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेल है तो कौन सी प्रॉपर्टी की सेल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, कहाँ पे प्रॉपर्टी है, खसरा खतौनी नंबर क्या है, आप क्लियरली सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। क्लैरिटी ड्राफ्टिंग में होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, ये थर्ड प्रिंसिपल है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी सेंटेंस आपने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है जो बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करे। अच्छी ड्राफ्टिंग तभी मानी जाएगी जब उसको आप कंप्लीट करोगे, उसमें आप हर चीज़ जो जरूरी है वो मेंशन करोगे, तभी वो एक अच्छी ड्राफ्टिंग मानी जाएगी। कभी भी कोई भी चीज़ आपने अधूरी नहीं छोड़नी, आपने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अधूरी छोड़ दी, या प्रॉपर्टी का खसरा खतौनी नंबर अधूरा छोड़ दिया, या आपने प्रॉपर्टी नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में वो चीज़ें नहीं लिखी, या एग्रीमेंट में मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है या इमूवेबल का आपने बताया नहीं, तो आपने बताया पर आपने प्रॉपर्टी बता दिया, इमूवेबल मूवेबल वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने कंप्लीट नहीं किया अपना सेंटेंस। तो कंप्लीट ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, ये गुड ड्राफ्टिंग का अच्छा फीचर है। प्रिसाइजनेस, तो ड्राफ्टिंग प्रिसाइज भी होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है एक तरह से, देखो कंसाइज और प्रिसाइज एक जैसे लगते हैं पर फर्क क्या, कंसाइज होता है ब्रीफ, ब्रीफ मतलब 5-6 लाइनों में ब्रीफ, प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है एक वर्ड में, इन द सेंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 10 एक बड़ी लाइन का मतलब एक होता है। तो जब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बहुत सारी बड़ी लाइन का मतलब एक है, लो लैंग्वेजेस होती हैं, लो वर्ड्स होती हैं, जैसे सुओमोटो, उसके बाद जैसे एम किस क्रियाए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लंबे वर्ड्स होते हैं, लेकिन मतलब वैसे उनका मीनिंग लंबा होता है, लंबे से लंबे तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पे हम एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ऐसे कोई वर्ड्स हैं तो आप प्रिसाइज वर्ड यूज़ करें, आप प्रिसाइज वर्ड यूज़ करें, जो एक वर्ड है उन लंबी सेंटेंस का वो एक वर्ड यूज़ करें आप। दिस इज़ आल्सो द क्वालिटी ऑफ गुड ड्राफ्टिंग। प्लीजेंट असेंट, प्लीजेंट असेंट का मतलब क्या है कि जो भी आप ड्राफ्ट करोगे आपने उसमें पोलाइटनेस शो करनी है, कॉर्शियस शो करनी है, अपनी लैंग्वेज आपने ऐसे यूज़ नहीं करनी है दूसरा पर्सन बोले ये कैसा इसने ड्राफ्ट किया, इसको तो मतलब बात करने का ही तरीका नहीं है। एक आपकी ड्राफ्टिंग में आपकी जो मोरलिटी है वो शो होनी चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग में आपका जो एक पोलाइटनेस है, जो कर्ट्सी है वो शो होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारा इन सभी के ऊपर एक एक पेज या हाफ ऑफ पेज का नोट्स बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो हर चीज़ नहीं बता पाता मैं, आप इस बात को समझ सकते हो। देखो बाकी सब्जेक्ट के आप नोट्स लो या ना लो, लेकिन इस सब्जेक्ट के नोट्स पक्का ले लेना, क्योंकि इसमें आगे प्लेन ड्राफ्ट करने का तरीका आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने का तरीका आएगा, इसके बाद एफिडेविट कैसे लिखते हैं, सेल डीड कैसे लिखते हैं, गिफ्ट डीड कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ थोड़ा ड्राफ्ट करके बताऊँगा। सेल डीड लिख के मैं पूरे जो वर्ड्स मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं यहाँ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सेल डीड अगर मान लो 3 पेजेस किया लिखी हुई मैंने, तो 3 पेजेस में इसमें तो आधा पेज भी नहीं आएगा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है बोर्ड ताकि आपको साफ दिखे, तो इसमें तो आधा पेज भी नहीं आएगा, आधा पेज, दूसरा आधा पेज, तीसरा, मतलब ये तो उसको लिखते ही मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। आई होप आप इन बातों को समझ सकते हो। तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर लीजिए, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अभी 9164-92204, अभी आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर 9166-34276, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके हमसे नोट्स की डिमांड कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है नोट्स की, बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे चीज़ें लिख नहीं पा रहा, बस हेडिंग लिखी है, वो आपको नोट्स में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। और जब कल को हम आगे ड्राफ्टिंग का बताऊँगा आपको, मैं ड्राफ्ट करके बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं आपको बस बताऊँगा मैं बुक लेके कि सर अगर डॉक्यूमेंट्स आप सेल डीड ड्राफ्ट करें तो कैसे करनी है, पहले स्टेप क्या है, फिर क्या स्टेप है, मैं स्टेप्स बताऊँगा। पर अगर आपने अच्छे से देखना है उस तरीके को, तो आप नोट्स में उसे अच्छे से देख पाएंगे। आई होप आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये आपके भले के लिए, इसमें मेरा भला नहीं है, अदरवाइज मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपकी इच्छा है आप नोट्स ले सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप नोट्स ले लीजिए, आपके फायदे के लिए। सेलेंट फीचर्स क्या अच्छी ड्राफ्टिंग, सेलेंट फीचर्स आ जाएँ रूल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, बात सेम ही है, पर चलो फिर भी मतलब थोड़ा सा अलग लिख दिया मैंने यहाँ पे। सीलेंट फीचर्स क्या हैं, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, हमेशा ड्राफ्टिंग में करेक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, इन करेक्ट वर्ड यूज़ ना किए जाएँ, ये इसके बहुत ही
इम्पोर्टेंट फीचर है। क्लियर एंड फर्म थिंकिंग, फर्म थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो योर माइंड मस्ट बी क्लियर व्हाट यू आर ड्राफ्टिंग, योर माइंड मस्ट हैव द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट। आपके माइंड में एक कंटेंट तैयार होना चाहिए आप ड्राफ्ट क्या कर रहे हो। सेल डिड आप ड्राफ्ट कर रहे हो, माइंड में आपके गिफ्ट डिड चला हुआ है, तो आप तो गलत ड्राफ्ट करोगे ना। तो आपके फर्म थिंकिंग होनी चाहिए प्रॉपर, क्लियर थिंकिंग कि आप करना क्या चाहते हो। कर्टसी एंड पोलाइटनेस, ड्राफ्टिंग जब आप करोगे तो उसमें जो वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं उसमें आपकी कर्टसी शो करें, आपकी पोलाइटनेस शो करें। लॉजिकल अरेंजमेंट आपने करना है सभी फैक्ट्स का, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे बता दिया कि आपको रिलीफ क्या चाहिए, फिर यहाँ पे बता दिया कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। सिस्टम लिखो भाई, अगर आप प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हो तो कोड का नाम, पार्टीज का नाम, मटेरियल फैक्ट्स, प्रेयर, एक सिस्टमेटिक लिखो आप। तो लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए आपका जब आप कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, सेल डीड करो, गिफ्ट डीड करो, एग्रीमेंट करो, एक सिस्टमेटिक मैनर में ड्राफ्ट करना है ताकि पढ़ने वाला बंदा दूर से समझ आए, एक बार देखकर समझ आए बोलना क्या चाहता है, एक कहानी से उसके माइंड में पढ़ते पढ़ते बढ़ना शुरू हो जाए। शॉर्ट सेंटेंस, जितना हो सके कंसाइज प्रिसाइज वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, शॉर्ट सेंटेंस आपने यूज़ करने हैं। आई होप आपको ड्राफ्टिंग समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्लीडिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं प्लीडिंग की बात करूँ तो प्लीडिंग क्या होती है। प्लीडिंग की डेफिनेशन बेसिकली हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 6 रूल 1 में दी हुई है। ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग क्या है। तो प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, अर्थात ड्राफ्टिंग क्या था। ड्राफ्टिंग था किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को तैयार करना, ड्राफ्ट करना, चाहे वो प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, चाहे वो सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, चाहे एग्रीमेंट है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार जो किया जाता है वो आपकी ड्राफ्टिंग है। लेकिन प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग का मतलब पर्टिकुलर प्लेंट से है या रिटन स्टेटमेंट से है। अब प्लेंट क्या होती है और रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, जनरल सा आपको यहाँ बताऊँगा, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेंट का मतलब एक ऐसे डॉक्यूमेंट से है जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया जाता है एक पर्सन के जरिए, जिसमें पर्सन बताता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। उस पर्सन का नाम प्लेंटिव होता है और वो कोर्ट में केस शुरू करने के लिए प्लेंट फाइल करता है। तो प्लेंट क्या है, प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में केस शुरू करने के लिए फाइल किया जाता है प्लेंटिव के जरिए, जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी ग्रीवियंसेस उसमें लिखता है। और रिटन स्टेटमेंट क्या है, वो उस प्लेंट का रिप्लाई है जो डिफेंडेंट देता है जिसके अगेंस्ट प्लेंट फाइल करी जाती है कोर्ट में, जो जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है उसका रिप्लाई जो है वो रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। तो ऑर्डर 6 बोलता है प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट से या रिटन स्टेटमेंट से। आगे थोड़ा सा जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि प्लीडिंग का मतलब क्या है। प्लीडिंग एक तरीका है, एक वे है बाई विच पार्टीज टू द डिस्प्यूट टेल्स देयर केस टू द कोर्ट एंड एडवर्स पार्टी। प्लीडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट की, वो अपना केस बताती हैं कोर्ट को और एडवर्स पार्टी को। समझने की कोशिश करना, प्लेंट में क्या होता है, प्लेंट में बंदा अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखता है और कोर्ट को दे देता है। फ्रीडम स्टेटमेंट में क्या होता है, उस प्लेंट का रिप्लाई किया जाता है और कुछ ऐड करना हो डिफेंडेंट अपने न्यू पॉइंट्स भी ऐड कर देता है अगर उसे लगे जरूरी है तो। तो ये जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है, इनकी जरिए ही तो पता चलता है पार्टीज को केस क्या है। अगर मैं आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, प्रॉपर प्लेंट बनाकर दूंगा, तो आपको पता चल नहीं जाएगा कि केस का मैटर क्या है। तो वही तो है, प्लीडिंग का मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट से है। प्लीडिंग का मतलब उस चीज़ से है जिसमें पार्टीज अपना डिस्प्यूट कोर्ट को या एडवर्स पार्टी को बताती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है प्लीडिंग का, यही ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू एंश्योर बोथ पार्टीज टू द डिस्प्यूट शुड नाउ द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सच डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो क्या मतलब हुआ, प्लीडिंग का मतलब है कि दोनों जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट की, उन्हें एग्जैक्टली पता चल जाए कि डिस्प्यूट है क्या। देखो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ मैं। प्लेडिंग का मतलब अगर ऑर्डर 6 में देखा जाए तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से है। प्लेंट क्या है, जब आप कोई बाध पत्र सबमिट करते हो कोर्ट में, राइटिंग में लिखते हो कि आपको क्या दिक्कत है किसी पार्टी से, आपको क्या रिलीफ चाहिए, वो प्लेंट है। और जब उसका रिप्लाई वो पार्टी करती है जिसके अगेंस्ट आप रिलीफ मांग रहे हो, वो रिटन स्टेटमेंट है। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, इससे बेसिकली यही तो हो रहा है
डिस्प्यूट जो है वो क्या है, वो दोनों पार्टीज को बेसिकली पता चल रहा है मुद्दा क्या है, डिस्प्यूट क्या है। तो वही तो लिखा हुआ है कि जो प्लीडिंग है उसका प्लीडिंग का प्लीडिंग एक तरीका है पार्टीज को बताने का कि डिस्प्यूट क्या है, एडवर्स पार्टी को पता चल जाए, और यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू इंश्योर दैट बोथ पार्टीज हैव नॉलेज और दे नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सच डिस्प्यूट बिटवीन देम। एक केस है लैंडमार्क, राम स्वरूप गुप्ता वर्सेस विशन रैन इंटर कॉलेज। इस केस में क्या बोला गया था, 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि प्लीडिंग का पर्पज यही है, ऑब्जेक्ट यही है कि एडवर्स पार्टी जिसके ऊपर केस किया जा रहा है उसे पता चल जाए कि केस क्या है जो उसने फाइट करना है कल को। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू अनेबल एडवर्स पार्टी को अनेबल करना टू नाउ द केस इट हैज टू मीट, केस के बारे में जानना जो उसने कल को फाइट करना है उसके साथ। यही बेसिकली पर्पज है किसका, प्लीडिंग का। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। तो प्लीडिंग के पहला रूल क्या, प्लीडिंग का, फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। आप जो प्लीडिंग करते हो, जो प्लेंट आप फाइल करते हो, लीगल स्टेटमेंट फाइल करते हो, उसमें आपको फैक्ट्स बताने पड़ते हैं जो भी आपके साथ हुआ है। आप लॉ नहीं बता सकते, लॉ क्या बोलता है, आप लॉ के पॉइंट्स नहीं बताओगे, आप केवल फैक्ट्स मेंशन करोगे, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ घटी वो सारी आप मेंशन कर दोगे, पर कानून नहीं बताओगे कानून क्या है। दूसरा, प्लीडिंग आप हमेशा मटेरियल फैक्ट्स की करोगे, प्लीडिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, आपने इमटेरियल फैक्ट्स को नहीं बताना है, आपने मटेरियल फैक्ट्स, जरूरी फैक्ट्स ही कोर्ट में बताने हैं। प्लीडिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस, आप एविडेंस की प्लीडिंग नहीं कर सकते, केवल आप मटेरियल फैक्ट्स की प्लीडिंग कर सकते हो, आप एविडेंस की प्लीडिंग नहीं कर सकते। मतलब एविडेंस अर्थात जो सबूत हैं, जो एविडेंसेज है, जो गवाह हैं, जो आपके पास हैं, आप उनको नहीं प्लीड करोगे वहाँ पे, आप उनके बारे में नहीं लिखोगे, आप बस मटेरियल फैक्ट्स बताओगे फैक्ट्स क्या है। कंसाइज प्लीडिंग, कंसाइज होनी चाहिए ब्रीफ में, प्रिसाइज टू द पॉइंट होनी चाहिए। अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन आपने अवॉइड करनी है, अर्थात जब आप प्लीडिंग कर रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हो, प्लेंट लिख रहे हो, तो उसमें आपने एक चीज़ को बार बार नहीं लिखना है, आपने अवॉइड करना है रिपीटेशन। इनफैक्ट अवॉइड रिपीटेशन तो आप ना जो ड्राफ्टिंग करोगे उसमें भी आप लिख सकते हो, ये भी उसका गोल्डन प्रिंसिपल है। ड्राफ्टिंग की गोल्डन प्रिंसिपल जो है वो आप यहाँ भी बना के लिख सकते हो, जो हमने पहले पढ़े थे कि ड्राफ्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, वैसे प्लीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स कंप्लीट होनी चाहिए, सारे ऐसे क्या बना सकते हो। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ना, हम देखेंगे क्या प्लीडिंग अमेंड हो सकती है, क्या प्लीडिंग जो है, प्लीडिंग मतलब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, ये अमेंड हो सकती है, प्लेंट कब रिजेक्ट हो सकती है, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपके रिटर्न पेपर में क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में, इसलिए वो ध्यान से आपने देखना है। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है। प्लीडिंग का मतलब हमें समझ आ गया, प्लीडिंग का मतलब क्या है, जो आप कोर्ट में प्लेंट फाइल करते हो ना, या आप जो कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो, आपने प्लेंट फाइल करी या आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी, दीज आर द प्लीडिंग, इसी को प्लीडिंग बोलते हैं। ऑर्डर सिक्स CPC यही बोलता है कि प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट है